कभी कभी दिल करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम शांत जगह पर मैं निकल जाऊँ, जहाँ ना हो ट्रैफिक का शोर, ना हो वो मोबाइल में बजते रील के गाने, हो तो सिर्फ समंदर की ठंडी हवाएं, खुला आसमान और एक शाम मस्तानी। ऐसी ही अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने अपनी समय मणि का इस्तेमाल किया और आ पहुंचा कच्छ की एक वीरान बीच पे अपनी गाड़ी लेके। मैं निकला ओ गाड़ी लेके, और ये बन गया मेरी लाइफ का पहला बीच कैंपिंग एक्सपीरियंस। राम राम सभी मेरे दर्शक, मेरे व्यूअर्स को। मैं हूँ आपका अपना विजय और आप देख रहे हैं कच्छ को एक नए नजरिए से मेरे चैनल व्लॉग सीरीज कच्छी ट्रैवलर में। शुरू करते हैं आज का व्लॉग लेके भोले का नाम, हर हर महादेव। तो कच्छी आर्मी अभी निकले थे यहाँ से मांडवी, लेकिन काफी ज्यादा बारिश पड़ गई, 3 बार ब्रेक लेना पड़ा और काफी कुछ भीग चुका है हमारे बैग में। स्लीपिंग बैग बांधे देख सकते हैं, ये भी भीग गए पूरी तरह से और बारिश अभी भी शुरू है। तो मेरे एक दोस्त मेरे साथ चलने वाला, अभी उसका देख रहे हैं फ़ोन भी नहीं लग रहा। और हालत देखिए गाड़ी की, गाड़ी की तो ठीक है लेकिन ये सब मैंने निकाल के रखे, यहाँ पर पूरा सब भीग गया है। बारिश थमने का वेट करते हैं, उसके बाद निकल पाएंगे यहाँ से। बारिश में तो कैंपिंग भी कैसे करेंगे भाई, सब सोच के ही मेरे को डर लग रहा है। 3-4 बार रुका हूँ, मुझे लगता भगवान को भी मंजूर है कि मैं अब जाके मानवीर में कैंपिंग करूँ। ठीक है, देखते हैं अभी क्या होता है रास्ते में, यहाँ से तो निकलते हैं अभी। इससे पहले कि मैं अपना DSLR या GoPro निकाल पाऊँ, 4 बार बारिश में भीग चुका था और फाइनली मैं पहुंचा बूथ सिटी। और फिर मुझे सूझा कि भाई हमारे पास ब्लॉग बनाने के लिए ऑलरेडी एक मोबाइल है, जिससे मैंने ब्लॉगिंग की शुरुआत की थी, मेरा सैमसंग A50। मैंने सेकेंड हैंड में EMI पर लिया था अपने प्रेम भाई से। दे दूंगा, कहाँ भागा जा रहा हूँ। गाड़ी स्टार्ट कर। और फिर जैसे ही मौसम साफ हुआ, मेरे साथ और एक बंदे जुड़ गए जिनको मैं इस वीडियो में बुलाना चाहूंगा, एनोनिमस अननोन यूजर। और उनको भी अपनी बाइक के पीछे बिठा के हम दोनों निकल चले थे सीधा मांडवी। हमने अभी ब्रेक लिया था दहीसरा में और यहाँ जो है पीछे भाई के पास हमने दाबेली अभी अभी खाई है, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से सीधा मांडवी है अपना इस तरफ। और अभी मेरा कुछ प्लान है कि समोसा खाने के लिए जाऊँ, काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है मेरे को, क्योंकि दोपहर को भी आज मिला नहीं सही तरह से, बारिश भी ऊपर से काफ़ी ज़्यादा पड़ रही थी। तो पहले यहाँ का समोसा टेस्ट करते हैं दहीसरा का, उसके बाद सीधा निकलते हैं यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज। जय शिवाजी, जय भवानी। तो अभी हम भाई के पास रुके हैं ब्रेड पकौड़ा के लिए। ब्रेड पकौड़ा काफ़ी टाइम बाद खा रहा हूँ, जब उत्तराखंड में मैंने और प्रेम भाई ने खाए थे, और आज खा रहा हूँ कच्छ में, काफ़ी बढ़िया। देख के मुँह में पानी आ रहा है अभी ब्रेड पकौड़ा। महाराज समोसा, यहाँ पर समोसे भी मिलते हैं, ब्रेड पकोड़े भी काफ़ी बढ़िया मिलते हैं। अभी अभी ब्रेड पकोड़े खाए यहाँ से, अभी पीछे भाई की दुकान है, उसके बाद निकलेंगे सीधा मांडवी। उससे पहले अपनी चुटकी वहाँ खड़ी है, देख सकते हैं आप वहाँ पर, ये रास्ता जा रहा है सीधा मांडवी। मांडवी पहुंचते पहुंचते बच गए थे करीब शाम के 6,
और मांडवी पहुंचते ही इन भैया ने हमारा स्वागत किया मेरी फेवरेट सिकंजी के साथ। तो दोस्तों अब पहुंच चुके हैं असांजी मडई, और मडई में आते वक्त हमने क्या किया है, सिकंजी का पीछे दुकान देखा मैंने, दिल्ली की मशहूर सिकंजी। तो हम लोग अभी भाई के पास सिकंजी पीने को रुके हैं, उसके बाद जाएंगे आगे अपनी डेस्टिनेशन। उसके बाद हम पहुंचे सीधा गडड़ा गांव। गडड़ा गांव पहुंचते पहुंचते करीब शाम हो ही चुकी थी। फिलहाल मांडवी क्रॉस करके हम कटड़ा पहुंच चुके हैं। कटड़ा में एक मस्त बंदे से मुलाकात हुई है, बारूबा भाई से, जिनको हम मिलाएंगे। अबर मैं अभी इस वक्त जो है खारी भात यानी चावल के कुछ रेसिपी हम बनाने वाले हैं, उधर बीच पे दोस्त का सामान ले रहे हैं, तो बारूबा अंदर ही उसके साथ मुलाकात करते हैं। इन भाई का कॉन्टेक्ट दिया है मेरे को केतन भाई गोस्वामी मल्हार कैंपिंग, जिसके साथ हम पहले भी मुलाकात कर चुके हैं। यहाँ पर जो है भाई की दुकान पर हम सभी सामान पैक करा चुके हैं। यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती हुई थी हमारे खारी भात के सामान के साथ, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं आगे आने वाले सीन में। बारूबा भाई, बारूबा जिनसे हमारी बात हुई थी और ये हमको मार्गदर्शन देंगे बीच तक का। तो यहां पर जो है ये देखिए चावल का पूरी तैयारी, खारी भात हम देसी वाली बनाएंगे। है हमारी चुटकी और ये कटड़ा गांव, अब जाएंगे भारूपा के साथ। लोग बहुत बोलते हैं कि एडवेंचर एडवेंचर, लेकिन शायद उन्होंने कच्छ में इतनी झुलसा देने वाली गर्मी में बीच में यानी कि रेत में 3 से 4 किलोमीटर अपनी गाड़ी पैदल नहीं खींची, वरना उनको पता चलता कि असल में एडवेंचर क्या होता है। वैसे तो सनसेट से पहले मैं पहुंच चुका था बीच पे, लेकिन शाम ऑलरेडी हो चुकी थी। तो दोस्तों ये रही अपनी चुटकी, और आपको कैमरा बंद करके दिखाते हैं लोकेशन। ये देखिए खूबसूरत सा बीच, कटड़ा बीच, वहाँ पर शायद एक बोट देख रहे हो आप। ये कटड़ा बीच पहुंच चुके हैं हम लोग, काफ़ी मस्त लोकेशन भाई। और रात को इस जगह हम अपना टेंट डालेंगे, देखिए कितनी खूबसूरत सी जगह है बनी हुई यहाँ पर। देखिए टेंट पूरा मैं खोल चुका हूँ, एवरग्रीन अपने वही पुराने टेंट को मैंने पिच किया। पिच क्या कह सकते हैं, क्योंकि स्टिक तो उसकी टूट चुकी थी, जैसे तैसे मैंने रस्सियों से, जैसे स्पाइडरमैन ने उस जहाज़ को बांधा था, वैसे ही कुछ मैंने बनी बनाई उस जगह पर अपने टेंट को उसी तरह से जोड़ दिया। और ये था अपना आज का जुगाड़ू टेंट। अपना DSLR यहाँ पर सूट ले रहा है मस्त सनसेट के। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। और ये खूबसूरत से सनसेट बीच का, देखिए सनसेट के नजारे तो काफी गजब है यहाँ के भाई। और जैसे शाम हो चली थी, सनसेट का नजारा था और असल में वाइब शुरू हुई थी इस जगह की। अब समुंदर के किनारे बैठकर दूर दूर तक पानी का नज़ारा देखना आंखों और दिल को बड़ा ही सुकून देता है। दिलो दिमाग में कई विचार लहरों की तरह उठने लगते हैं और दिल के किनारे वो छूकर वापस जाने लगते हैं। हमारे जीवन में आने वाली सुख दुख भी कुछ इसी तरह है। समुद्र भी इंसान की तरह अपने अंदर लाखों करोड़ रहस्य छुपाए हुए हैं, जो कभी कभी उसकी ज़िंदगी में बड़ा तूफान ला सकते हैं। ऐसी दौड़ सा तेरा ये दिल दौड़।
मैं कैद कर हर वो पल तेरा तेरी ये बातें जो और क्या है ये बातें बता क्यों अब दिल डरता नहीं ये ना हो तो जब सनसेट हो चला था और इससे पहले कि अंधेरा हो प्लान बना डिनर का। तो ये अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ आग जलाने की। यहाँ पर जो है अपना टेंट है देखिए, और चुटकी खड़ी है यहाँ पर अंधेरे में, और उस साइड है बीच, काफ़ी अंधेरा है चारों ओर। अभी इस जगह मैं अकेला हूँ और यहाँ पर जो है मैं अपनी बाइक से पेट्रोल निकाल के लेके आया हूँ थोड़ा। तो यहाँ देख सकते हैं आपके कच्ची ट्रैवलर ने आग लगा दी है। बाद में इस पर खारी बात रखूँगा। देखिए बहुत सारी लकड़ियाँ यहाँ पर इकट्ठा करके रखी है। और एक बार दिखाते हैं टेंट के नज़ारे। ये कुछ टेंट है, अंदर पूरा सामान वगैरह सब। वहाँ पर दिख रहे हैं मांडवी, जो लाइट दिख रही है ना आपको, वो बेसिकली मांडवी है। देखिए कनी बेल को डालते हैं आग पे। अपने लखू भाई जो है आनंद धनानी जो है, इसको मैंने फ़ोन किया था, तो उनको फॉलो करते करते मैं अकेला यहाँ पर कर रहा हूँ। ये देखिए थोड़ा बहुत तो हो चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है अभी। आज की रात यादगार रहेगी, पहली बार बीच मतलब दरिया किनारे मैं बना रहा हूँ। ये जो है पता नहीं कैसा है बनेगा आज। वैसे वो भाई जो है, भैया दुकान वाले हैं जो दिखाए आपको, उसको मिर्च भूल गए थे और हरदर भी भूल गए थे। तो फिर देखते हैं अभी क्या होता है बिना हरदर और मिर्च के, खाली बात मेरे से कैसी बनती है। ओ बाप रे, देखिए मैंने तो सब कुछ मिक्स कर दिया है, देखते हैं अभी इसका टेस्ट कैसा होता है बनने के बाद। तो यहाँ पर मैंने चावल चढ़ा दिए पानी डाल के बंद करके, देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है, इसका टेस्ट कैसा आता है देखते हैं। तो देखते हैं अभी चावल चढ़ा चुके हैं, देखिए बिना हरदर और बिना मिर्च के कैसे, इसका कलर नहीं है लेकिन फिर भी अभी देर है, थोड़ी देर के लिए रखने देते हैं वापस इसको ढंक के, उसके बाद खाएंगे। 10 मिनट और है मेरे पास। तो बस बस बन गए, मुझे लगता है बन ही गए हैं। एक बार इसको तरिए से उठाओ। बस बस बन गए भाई, बन गए चावल। भाई जी इसको हिला रहे हैं अच्छी तरह से। बासमती चावल देखिए वाइट कलर के। खारी बात शायद बहुत कम देखने को मिलती है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रही है कच्ची ट्रैवलर पे, बिना मिर्च बिना हरदर की बासमती कैसी बनती होगी देखते हैं आज, एक्सपेरिमेंट करते हैं क्यों। तो ये बन के तैयार है अपने बासमती, अभी अभी मैंने उतारे हैं और रखेंगे प्लेट में, देखेंगे इसका स्वाद कैसा है बिना मिर्च और हरदर वाले बासमती पुलाव। गजब, दरिया किनारे वो भी। दो कुत्ते यहाँ पर मस्त टहल रहे थे। आपको भी खानी है क्या, खारी बात खानी है? नहीं, मूड नहीं लगता इन दोनों का। चाबियों कौन
ऐसे खुशनुमा माहौल और शांत वातावरण में समंदर के किनारे टेंट के अंदर नींद तो काफ़ी बढ़िया आई थी, लेकिन वो नाइटमेयर वो आधी रात को मेरा सच हो चुका था, यकीनन सच हो चुका था। वही सीन जो हमारे साथ हुआ था वहाँ पर उत्तराखंड में, पूरी रात हम भीगे थे, ऊपर से बूंदे गिरी थी इतनी गजब वाली, वही सेम बारिश यहाँ पर भी महसूस हुई और ऐसा लगा कि टाइम ट्रैवल करके मैं थैनोस की तरह पहुंच चुका था वही उत्तराखंड वाले दिनों में। गाते रात तो जैसे तैसे हमारी कट चुकी थी, लेकिन उस रात की सुबह जो है काफी खूबसूरत हुई थी इस बीच के किनारे, और नज़ारों ने ही हमारा मन मोह लिया था। मैं तो कहता हूँ पूरी ट्रिप, पूरी रात और ये पूरा एडवेंचर वर्थ था इन समंदर और उनकी लहरों को देख के। और मैं अभी अपने सामने जो नज़ारा देख रहा हूँ, चेकआउट दोस्तों, ये रहा मेरा काम जाम। यहाँ पर हमने रात को बनाई थी खारी बात, देख सकते हैं काफ़ी बारिश पड़ी थी सुबह सुबह और पूरा टेंट जो है तहस महस हो गया पूरा। देखिए किस तरह से लोकेशन, देखिए कितनी मस्त है। मेरे साथ भाई आए थे वो तो निकल लिए हैं, मैं अकेला ही बचा हूँ यहाँ पर। देखिए सामने खूबसूरत सा बीच, यहाँ पर अपनी बाइक और वाइब है, पूरी वाइब इस लोकेशन की। तो ये देखिए अपनी चुटकी पे सभी सामान लोड कर चुका हूँ मैं, पीछे अपना एक बैग डाल दिया, दूसरा बैग यहाँ पर है, स्लीपिंग बैग दोनों अंदर थे, वैसे एक ही यूज़ हुआ है, भाई तो चले गए थे, मैं अकेला ही यहाँ पर रुक गया था। तो ये देखिए नज़ारे, ये वो अपनी गाड़ी जहाँ पर हमने टेंट डाला था, ये वही लोकेशन, कितनी शानदार लोकेशन, यहाँ हमने टेंट पिच किया था और यहाँ पर बनाई थी हमने अपनी खारी बात। सुबह सुबह मिले हमको ये चचा जिन्होंने हमारे लिए अपनी बकरियों के झुंड में से एक बकरी का दूध निकाला और मुझे दिया पीने को। और इस जगह की वाइब, वो चीज़ें छोड़ने का मेरा मन ही नहीं हो रहा था, लेकिन क्या करें, आज शाम को है गणेश विसर्जन, तो मैं मेरे गांव जा रहा हूँ, वहाँ पर शूट करेंगे आज गणेश उत्सव। तो ये जो ट्रिप है इतनी खूबसूरत और चलो चलो, बुलावा आ गया है। जी हाँ प्रेम भाई आया, मैं प्रेम भाई अपने बुला रहे हैं, तो मैं निकला सीधा गणेश विसर्जन में।